दोस्तों, क्या आप जानते हैं फैक्ट्री में प्लाईवुड कैसे बनती है? और क्या आपको पता है प्लाईवुड बनाने के लिए किस तरह की लकड़ी का इस्तेमाल होता है? और क्या प्लाईवुड बनाने के लिए इसमें गाय का गोबर मिलाया जाता है? दोस्तों, प्लाईवुड बनाने की शुरुआत यहाँ से होती है, जहाँ सबसे पहले अलग अलग जगह से लाई गई लकड़ियों को एक कैट 966 अनलोडर फैक्ट्री में अनलोड कर देता है। इसके बाद एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से ये लकड़ियों के लॉक्स सबसे पहले एक डीबार्कर मशीन में जाते हैं, जहाँ इनके छिलके उतारे जा सके, जिसके बाद इसे स्लैशर डेक में भी भेजा जाता है। इस स्लैशर डेक में इन लकड़ियों को 8 फीट लंबे पीसेस में काटा जाता है, जिसके बाद ये एक दूसरी करियर बेल्ट तक पहुँचते, जहाँ मशीनें द्वारा ही इनका नाप लिया जाता है। सब सही होने पर इन्हें एक पिलर बिन में किक कर दिया जाता है, जहाँ फिर से एक कैट 966 इन्हें ले जाकर एक हॉट बाथ में डाल देता है, जहाँ पानी या स्टीम में इन्हें 12 से 20 घंटों तक के लिए रखा जाता है। इसके बाद इन्हें बाहर निकालकर एक जैक लेडर की मदद से एक राउंड अप प्लेट की तरफ ले जाया जाता है, ताकि इसमें मौजूद रह गए बाकी छिलकों को भी इससे हटाया जा सके। एक मशीन ऑपरेटर इस पूरी प्रोसेस को सुपरवाइज कर रहा होता है। सारी लॉक्स को रोलर्स पर घुमाया जाता है और ये मशीन के तेज तर्रार ब्लेड्स इसके छिलकों को निकालने के बाद इसे फिर से एक जैक लीडर पर छोड़ देते हैं, जो इसे अगली स्टेज की तरफ ले जाती है। अगली स्टेज में ये लॉक्स एक के बाद एक करके एक रोलर नाइफ तक पहुँचती है, जो इन लॉक्स को काट कर एक लंबे रिबन में बदल देता है। इस रिबन को 0.12 इंच मोटी शीट्स में काटने के बाद, क्योंकि ये शीट्स अभी भी हॉट बाथ की वजह से गीली है, इन्हें सुखाने के लिए भेजा जाता है। ड्राइंग प्रोसेस से लकड़ी की बॉन्डिंग काफी हद तक बढ़ जाती है और इसे सुखाने के लिए रोलर ड्राइव्स पर इन्हें एक कंट्रोल स्पीड पर चलाया जाता है, जहां से इन्हें एक क्लिपर टेबल तक ले जाया जाता है। क्लिपर टेबल को इन्हीं शीट्स को 4x8 के सिमिलर साइज में काटा जाता है और फिर यहाँ से ये शीट्स आगे बढ़ जाती है। रोलर्स की मदद से इन्हीं शीट्स को आगे ले जाया जाता है। इसके बाद इस सॉर्टेड सेक्शन को फिर से एक बार ड्रायर्स में सुखाया जाता है, ताकि इनमें किसी भी तरह का मॉइस्चर ना रह जाए। इन ड्रायर्स में तापमान 200 डिग्री सेल्सियस के भी ऊपर होता है और इन्हें सूखने में लगभग 3.5 मिनट का वक्त लगता है। जैसे ये सूख जाते हैं, इन्हें रोलर्स के थ्रू निकाल कर एक स्कैनर तक ले जाया जाता है, जो इन्हें लकड़ियों में मॉइस्चर कंटेंट को चेक करता है। यहाँ से ये व्हीलर्स फैक्ट्री के प्रेस एक्शन में पहुँचते, जहाँ इन्हें फीडर में एक खास तरह से प्लेस किया जाता है। इसके बाद ये एक ग्लू कर्टेन से पास होते, जहाँ इन पर एडहेसिव की एक परत लगाई जाती है। एडहेसिव को अच्छी तरह हर लेयर पर स्प्रेड करने के लिए शुद्ध अल्टरनेटिव लेयर्स पर ही ये ग्लू लगाया जाता है। उसके बाद इन्हें लेयर अप सेक्शन में एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाता है। हर स्टैक में आप नोटिस करेंगे कि ऑड नंबर की लेयर्स रखी गई है और एक टॉप शीट के ऊपर कोई भी ग्लू नहीं लगाई गई है। इसके बाद इस स्टैक को 20 मिनट के लिए एक कोल्ड प्रेस से गुजारा जाता है, जहां टेम्परेचर फिक्स्ड रहता है और इसे हाइड्रोलिक सिस्टम से कंट्रोल किया जाता है। इतने वक्त में इन लेयर्स पर लगी ग्लू पूरी तरह से सूख जाती है। इस कोल्ड प्रेस से गुजरने से ना सिर्फ ये लेयर्स आपस में अच्छी तरह से जुड़ जाती है, बल्कि ये प्लाईवुड भी फ्लैट हो जाती है। बॉन्डिंग को बेहतर करने के लिए फिर इन पैनल्स को एक हॉट प्रेस से भी गुजारा जाता है, जिसमें 3 से 7 मिनट तक का समय लगता है। प्रेस से निकलने के बाद इन्हें प्लाईवुड को एक रोलर ब्लेड की मदद से डिमांड के हिसाब से काटा जाता है, जिसके बाद इनमें से कुछ रैंडम सैंपल्स को क्वालिटी अश्योरेंस टीम द्वारा अलग कर लिया जाता है, जिस पर अलग अलग तरीके से टेस्ट करते हैं। पहले इसे प्लाईवुड को एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ टेस्ट से गुजरना पड़ता है और यहाँ से पास होने के बाद ये कई और टेस्ट से गुजरती है। साथ ही इसमें से निकलने वाले गवर्नमेंट हाई ऑडिशंस को भी ध्यान से चेक किया जाता है और सारे टेस्ट पास करने के बाद इस प्लाईवुड को सैंडिंग प्रोसेस के लिए आगे भेज दिया जाता है। सैंडिंग प्रोसेस में सैंडिंग मशीन्स के द्वारा इस प्लाईवुड को पूरी तरह से स्मूथ किया जाता है और इसके थिकनेस को भी एक समान किया जाता है। मार्केट स्पेसिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए इन प्लाईवुड को सिर्फ फेस साइड या दोनों साइड सैंड किया जाता है और इसी के बाद ही सप्लाई रूट पर पेंट की एक लेयर चढ़ा दी जाती है। कुछ कंपनीज अपनी प्लाईज पर पेंट करना पसंद नहीं करती, तो वो सिर्फ इन पर स्टैम्प्स लगा देती है, जिसके बाद एक क्रेन इन प्लाईवुड बोर्ड्स को एक गैंगस्टो तक लेकर जाती है, जहां पर प्लाईवुड की एक फाइनल कटिंग होती है, जिसके बाद इन प्लाईवुड बोर्ड्स को एक के ऊपर एक रखकर स्टैक कर लिया जाता है और फिर इन्हें बॉक्स में पैक करके शिपिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है।